हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज पर स्टैंड कॉलर बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये मैंने अपना ब्लाउज के शोल्डर पर जॉइंट किए हुए हैं। जो मैंने अपने नेक की चौड़ाई ली थी वो ली थी मैंने 3 इंच, और जो नेक की लंबाई ली थी वो भी मैंने 3 इंच रखी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज है इसको हम चेकिंग करेंगे कि हमारा कॉलर कितना रेडी बनेगा। तो देखिए, यहाँ से होने से हम टोटल इसको ऐसे चेक करेंगे ना। तो देखिए, ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है, तो टोटल 17 इंच है। इसके बाद हम ये देखिए, सबसे पहले हम अपने एक कुकरम का कपड़ा पीस लेंगे। ये हमारा कैनवास पेपर है, इसको पेस्टिंग पेपर भी बोलते हैं। और यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे पहले इसको यहाँ पर, क्योंकि हम अपना कॉलर में पीछे आई अटैच करेंगे और हुक लगाएंगे उसके लिए। इसके बाद जितनी हम अपने गले की लंबाई ली थी 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, जो हमारा ब्लाउज का नेक है उसको इस तरह से लेंगे और यहाँ से रखेंगे 3 इंच तक, इस तरह से लगाना है आपको। और उसके बाद देखिए, इसको खींचना नहीं है, नॉर्मल जो भी आपका शेप है उसी तरह से यहाँ पर रख, इसको धीरे से हम इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपने यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देंगे। अब हमारा जो नेक था वो था हमारा 8.5 इंच, 17 इंच। तो हम यहाँ से चेक करेंगे अपना, ये 1 इंच हमने जो लिया इसको छोड़ कर लेना है। देखिए, हमारा नेक यहाँ पर आ रहा है, हल्का तरह से ले लेंगे। और जितना भी आपको नेक अपना जो कॉलर है रेडी रखना है, यहाँ पर मैं लूँगी 1.25 सवा इंच का, आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं इसको, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम अपनी गोलाई देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसको कपड़े पर फैलाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा बैक साइड होगा, इसलिए आप दोनों साइड में इस तरह से निशान लगा लीजिए। देखिए, जो हमारा 1 इंच था वहाँ पर हम कट लगा लेंगे, ऐसे हम दूसरी साइड में लगाएंगे। देखिए, अब हम इसको अपने कपड़े पर फैलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने हमने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है अपना, उसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। जो हमारा एक हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था वो हमें ऊपर की साइड रखना है, और इनको इस तरह से रखकर ये देखिए इस तरह से इनको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर अपनी लाइनिंग के कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। इस तरह से फ्रेंड, हमें 2 पीस लेने हैं लाइनिंग के अपने, क्योंकि हमारा पतला कपड़ा है, साड़ी जो हमारा मेन फैब्रिक है हमारा पतला है, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये राइट साइड हमें अंदर की साइड रखनी है इस तरह से, और एक लाइन का कपड़ा लेंगे हम, हम नीचे की साइड में रखेंगे। और इसके ऊपर हम इसको रखकर ऐसे सेट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे बिल्कुल किनारे की साइड, यहाँ से यहाँ तक। हमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, ओनली यहाँ। के बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। हमने यहाँ पर कट लगा लिया, इसके बाद देखिए हम यहाँ टू पार्ट उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसको कट कर देंगे। देखिए अब हमने यहाँ से फोल्ड कर लिया प्रेस, और हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर रफ सिलाई लगा रहे हैं, इसके बाद हम इसे निकाल देंगे। यहाँ पर इधर की तरफ हम इस सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक बार इसको प्रेस से सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको सेट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड, हम जो हमारा ये कॉलर आएगा इस तरह से, जो हमारा इधर की साइड का है, उस पर हम यहाँ पर आई बनाएंगे और यहाँ पर हमारा हुक लगेगा। तो देखिए इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे पहले, और यहाँ पर जहाँ पर हमने अपना कट लगाया था, ये वाला देखिए कट लगाया था, यहाँ पर सिलाई देंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। और इधर से इसको पलट लेंगे। आप इसके कॉर्नर इस तरह से। अब इसकी बात देखिए फ्रेंड, पहले यहाँ पर हम जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई से लगाई थी फ्रेंड, क्योंकि हमारा ये अस्तर था इसे। और इसके बाद यहाँ पर 0.25 से इस तरह सिलाई का हम आठ में छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया। अब इसके बाद हम अपना जो ब्लाउज है उसको लेंगे। इसको हम रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे।
ये देखिए यहाँ से इसको रखते हुए सबसे पहले देखिए फ्रेंड हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे जो हमारा हाफ सेंटर है इसका जो हमारा एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है एक इंच को छोड़कर इस तरह से इसके सेंटर पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और ऐसे हम अपने ब्लाउज का जो हमारा सेंटर है इस पर भी निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद इसको लगाते हुए जाएंगे कॉलर को खींचते हुए बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना ही नीचे का खींचना है ना ही कॉलर को। देखिए हमारा सेंटर से सेंटर मिल गया है। ये देखिए किनारे पर इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हम अंदर की साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया। अब हम इसको राइट साइड से ये देखिए अब हम यहाँ पर इस तरह से दबाते हुए जाएंगे जो हमारी यहाँ पर सिलाई है उसको हमें दबाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम पहले जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको पलट लेंगे और इसके बाद देखिए फिर यहाँ से हम अपना कॉलर लगाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड हमारा कॉलर यहाँ पर अटैच हो गया है। इसके बाद जो हमने यहाँ पर रफ सिलाई लगाई थी हम इसको निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड हमने अपने यहाँ पर रफ सिलाई निकाल दी है और यहाँ पर देखिए इस तरह से इधर हमारी पाइप की पट्टी लगेगी नीचे की साइड में। और यहाँ पर जितना भी आपको ये हमारी लाइन जा रही है यहाँ से हम सीधा यहाँ पर आई लगाएंगे और इसको इस तरह से रेडी करेंगे। ये हमारा स्टैंड कॉलर लग चुका है। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा कॉलर लगकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए इसका बैक देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक साइड में हम यहाँ पर आई लगाएंगे और इधर की साइड हम हुक लगाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।